चंदिन्या गाडीला टलकिरान्या झलकिरान्या या हिमाला। इसका पानी ना इतना गहरा है कि इंसान ना इसमें आराम से डूब सकता है। और ये नदी और एडवेंचर ना इन रास्तों से भाई भी ऐसे यहाँ का नजारा बहुत ही मतलब खतरनाक रास्ता है। ऊपर से गिरा ऊपर दिखा और ऊपर से देख लो पत्थर आने का और नीचे भी ऐसा भाई को डर लग रहा था वहाँ पे आने में लेकिन आ गया। पत्थर गिरने वाले थे ना वहाँ पे। अच्छा तो मैं अभी जाता थोड़ा खतरनाक रास्ता है। इससे ऊपर नहर है, नहर में भी मतलब खतरा ही है। ऊपर देख सकते हो ऊपर का नजारा। यहाँ से मतलब बैलेंस भी गिर गया था, रुकने का कोई चांस भी नहीं है। बहुत दिक्कत है ऊपर कहीं भी। तो धीरज भाई आराम से चलिए कृपया। जैसे लग रहा है कि बहुत ही आसान सा रास्ता है लेकिन यहाँ से इतना भयंकर रास्ता है ना क्या बताएं। देखो कितने आराम से आ रहे हैं और यहाँ भी बहुत ही खतरनाक रास्ता है इतना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ जुम्मा कुला और वहाँ के ना रास्ते बहुत ही बेहद खतरनाक हैं। और आते टाइम आऊँगा मैं नेशनल हाईवे नीचे से जहाँ पे रोड चौड़ीकरण का कार्य करी हिलवेज कंपनी और किस प्रकार से वहाँ हेवी ब्लास्ट किया जा रहा है और किस प्रकार से चट्टानों को नुकसान पहुँच रहा है। और आज ना बेहद ही खतरनाक रास्तों से होकर हम गुजरने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। घर से सफ़र करते हैं जुम्मा कुला के लिए और बेहद ही खतरनाक रास्तों के साथ बने रहिए आप। दोस्तों हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने और यहाँ का रास्ता ओ माय गॉड मैं गिर ही गया। यहाँ का रास्ता कुछ इस प्रकार से है, देख लो ये सभी लौंडे भी जा रहे हैं। और रास्ता ना यहाँ का ये पहाड़ों में ना एडवेंचर की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और इतने शानदार रास्ता से होकर गुजरे और ये वही नदी है जो बरसाती समय में इतना विकराल रूप धारण करती है कि इसके सामने कोई टिकता भी नहीं है। कितने बड़े बड़े पुल घर सब तबाह कर देती है नदी। नाम है कुलागाड़। अरे यहाँ का रास्ता देख लीजिए आप एक बार आराम से भाई साहब, बहुत ही खतरनाक रास्ता है यार। यहाँ से मुझे इस प्रकार से चढ़ना पड़ रहा है, ओ माय गॉड क्या ही एडवेंचर वाला रास्ता है। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही इजी है लेकिन ये देख लो बिल्कुल खड़ा टाइप का है। यहाँ से आने में बहुत दिक्कतें हो सकती है किसी भी इंसान को लेकिन ये है प्योर पहाड़ी जो बड़ी ही आसानी से आ जाते। ये देखिए बिल्कुल आराम से बहुत ही गहरी खाई है। आराम से। और हम अभी पहुंच चुके हैं कुलागाड़ पे और यहाँ का व्यू ना क्या ही बताएं। और ये रही आपकी छोटी बहुत तालाब और ये नदी ना बरसाती समय में इतना विकराल रूप धारण करती है कि आप लोगों को क्या बताएं। ये इतना ऊंचाई तक आते हैं देखो और इतने चौड़े में। रास्ता कुछ इस प्रकार का है। आज ना मैच खेलते खेलते हमारा एडवेंचर भी हो गया यार। बहुत ही शानदार एक कठिन रास्तों में ना चलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। और यहाँ रास्ते पे हर जगह आपको तालाब मिलते रहेंगे। ये तो बहुत गहरा है बे, गहरा है बहुत, बहुत ही गहरा तालाब यहाँ पे देख लो। लगभग आदमी डूब सकता है ना इसमें आराम से। पानी इतना साफ है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाली तालाब है। यहाँ पे इंसान बिल्कुल आराम से डूब सकता है इसमें। और जो रास्ता है हमारा वहाँ से ऊपर को चढ़ना है, थोड़ा खतरनाक वाला रास्ता है। और यहाँ पे हम लोग पानी भी पी रहे हैं और वो रास्ता यहाँ से खड़ा है, वहाँ से जाएंगे हम लोग। इतना गहरा है कि हम इंसान आराम से इसमें डूब सकते हैं। और ये नदी और एडवेंचर ना इन रास्तों से। तबीयत भी थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है तो ऐसे रास्तों से होकर मैं गुजर रहा हूँ। आप लोगों को पीछे भी दोस्त लोग हैं और रास्ता ना बहुत ही भयंकर वाला है। और हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमें इन स्थितियों का भली भांति पूरी तरह से जायजा होता है कि ऐसे रास्तों से कैसे चलना है, किस प्रकार से हम ऐसे रास्तों को पार करेंगे। तो अभी भी बहुत ही खतरनाक रास्ता है तो बने रहे वीडियो में, आगे बहुत ही खतरनाक वाला वीडियो रहने वाला है। पर देखो और नीचे यहाँ नदी है और यहाँ से ऊपर को चढ़ना है ऊपर।
किस प्रकार से यहाँ पे रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है यार। यहाँ पे एक बार कैमरा बंद करके चलना पड़ेगा मुझे। तो देख लो गाइज, साथ ही यहाँ से आ रहे हैं और रास्ता कितना भयंकर है यार। यहाँ पे किसी भाई ने रस्सी लगा रखी है, नहीं तो आने जैसा भी नहीं है बिल्कुल। आप लोगों को नीचे से लग रहा है कि बहुत ही आसान सा रास्ता है, लेकिन यहाँ से इतना भयंकर रास्ता है ना क्या बताएं। देखो कितने आराम से आ रहे हैं, और यहाँ भी बहुत ही खतरनाक रास्ता है, इतना भयंकर रास्ता। हम पहाड़ों को अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही हम लोगों ने नदी पार की, तो कुछ इस प्रकार से चट्टानों के बीच से हमारा रास्ता है। और अभी भी हमको बहुत सारा टाइम लगने वाला है फील्ड में पहुंचने पर। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने कुल्ला SSB वाले फील्ड में, और ऐसे भयानक रास्तों से हम लोगों को क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं तो है ही ऐसी, और यहाँ के रास्ते तो क्या ही बताएं। तो गाइस हम लोगों का एक और कठिन रास्ता शुरू हो चुका है, और यहाँ से बिल्कुल नीचे खाई आप लोगों को नज़र आ रही है, और यहाँ से रास्ता हम को ऐसे रास्ते से होकर गुजरना है। और पहाड़ों में ना ऐसे रास्ते अक्सर आप लोगों को अधिकतर देखने को मिलेंगे, और यहाँ से नीचे का नज़ारा देख लो, अगर गिर गया ना इंसान तो 200 मीटर नीचे। और बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है ऐसे रास्तों से। और ये यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रास्ता है, अभी पीछे मुड़ने जैसा नहीं है, अभी दिखाते हैं। भाई भी ऐसे यहाँ का नजारा बहुत ही मतलब खतरनाक रास्ता है, ऊपर से गिरा ऊपर दिखा, और ऊपर से देख लो पत्थर आने का, और नीचे भी ऐसा भाई को डर लग रहा था वहाँ पे आने में, लेकिन पत्थर गिरने वाले थे ना वहाँ पे। अच्छा, तो मैं अभी जाता, बड़ा खतरनाक रास्ता है, इससे ऊपर नहर है, नहर में भी मतलब खतरा ही है, ऊपर देख सकते हो ऊपर का नजारा। यहाँ से मतलब बैलेंस भी गिर गया था, रुकने का कोई चांस भी नहीं है, बहुत दिक्कत है ऊपर कहीं भी। तो धीरज भाई आराम से चलिए, कृपया तुम आराम से चलिए, आगे मुड़ो। ठीक है, तो चलिए रास्ते देख लीजिए आप। तो दोस्तों मैच वैच खत्म हो गया था, और यहाँ से हिमालय का नज़ारा क्या ही अमेजिंग। और ये रहा आपका नेपाल का होती गांव, और ये बड़गांव, और उधर शायद खाती गांव, और ऊपर ये यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि मेरे गांव नेपाल का भी दिखाना, तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि ये मैंने आपके लिए ये वीडियो यहाँ पे आई आकर बनाई। और ये यहाँ आप लोगों का शहर देख लीजिए आप। तो गाइज मैं आया था जुम्मा, और यहाँ से आप लोगों को बता दूँ जो ये नदी है ये भारत और नेपाल को जोड़ने का कार्य करती है, और यहाँ पे ये ब्रिज दिख रहा है आपको, ये राथी और जुम्मा को जोड़ने का कार्य करता है, और साथ ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग है टनकपुर तवाघाट, और इस नदी के उस पार आपको मिलेगा नेपाल, और जिस तरह मैं खड़ा हूँ ये इस तरह आपका इंडिया। और यहाँ से नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं, और यहाँ से उधर हिमालय का भी शानदार दृश्य नज़र आ रहा है। और ये रहा आपका नेपाल वाला गाँव, और यहाँ से देखिए जो नेशनल हाईवे है यहाँ से अभी गाड़ियाँ होकर गुजर रही हैं। अब ये रहा आपका NH 15 टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रही है हिलवेज कंपनी, और बहुत बड़ी RC मशीन से इस प्रकार से ब्लास्टिंग की जा रही है कि जैसे यहाँ पे करेंगे ना तो ये पूरा इतना गिर जाएगा। तो यार जोशीमठ जैसे हालात क्यों ना उत्पन्न होंगे यार, जब इतना पक्का रॉक आप बारूद से उड़ा दोगे इतना पूरा गिर जाएगा। तो यार यहाँ के लोग बाग भविष्य में किसी भी आपदा से ग्रसित हो सकते हैं, तो सभी लोगों को अवगत करा दिया है, फिर भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है पावर ब्लास्टिंग। और ये NHPC की बस गुजर रही है। और एक बात मैं बता दूं, देखिए किस प्रकार से पहाड़ों को बारूद से फोड़ा जा रहा है, और ये बरसाती समय में जब पानी जाएगा बरसाती समय में। और ये रहा आपका ब्रिज, और ये सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र है, जब ये यहाँ पे करेंगे ना
बड़ी आरसी मशीन से यहाँ पे बड़े बड़े छेद बनाए गए हैं, जब उनमें बारूद डालेंगे 12 मीटर तक तो ये पूरा चट्टान नीचे गिर जाएगा, जिससे भविष्य में ग्रामवासियों को किसी भी आपदा से आपदा का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, नज़दीक से जाने पे ये जो होल बनाए गए हैं ये 12 मीटर अंदर तक बनाए गए हैं चट्टान के। अब जब 12 मीटर तक इतने बड़े बड़े होल बनाए जाएंगे तो पहाड़ों को किस प्रकार बारूद के साए में जोड़ा तोड़ा जाएगा ये आप लोग समझ सकते हैं, इतने बड़े होल बना रखे हैं। तो ये पूरा ऊपर का देख लीजिए आप, तो किस प्रकार से पहाड़ों को बारूद से फोड़ा जा रहा है, ये भविष्य में किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देता है। देखिए कितने बड़े बड़े होल बना रखे हैं 12 मीटर तक अंदर तक। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामवासियों ने कई बार कंपनी व इनके खिलाफ तहसील जिला स्तर पर कई बार कार्यवाही की गई, परंतु अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस प्रकार से पहाड़ों को तोड़ना जोशीमठ की तरह एक बड़ी घटना का संदेश देता नज़र आ रहा है। और यहाँ इस प्रकार से कटिंग की गई है कि ऊपर से इस प्रकार से जब इसमें पानी पड़ेगा ना तो बड़ी घटना को दावत देता है, इस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। और यहीं पे आप लोगों को मिलती है काली नदी, जो भारत और नेपाल को जोड़ने का कार्य करती है, और नदी बहुत ही तेज़ बहाव में तेज़ वेग में अभी बह रही है। और ये रहा आपका टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। तो फाइनली मैं दोस्तों जुम्मा से धीरे धीरे अपने गांव राठी की ओर बढ़ रहा हूँ, और अभी पैदल चल रहा हूँ अकेले अकेले नेशनल हाईवे वाले रास्ते से। आप लोगों को बता दूं, इतनी बड़ी आरसी मशीन से पहाड़ों को पहले खोदा जाता है, फिर उनमें 12 मीटर अंदर तक बारूद भरा जाता है, फिर उसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि जैसे यहाँ के लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये जो पक्के पत्थर हैं इनके वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में बहुत सारे ग्रामवासी निवास करते हैं। तो एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। भविष्य में जोशीमठ जैसी घटना यहाँ पे भी घटित हो सकती है, इसके लिए कई बार उपजिलाधिकारी जी को अवगत भी कराया गया, शायद अब क्या पता संज्ञान में लेकर इस प्रकार की हेवी ब्लास्टिंग न हो। अभी 6:30 बजे यहाँ पे ब्लास्टिंग होने वाली है, इसके लिए कॉल टैक्स भी बिछा दिया गया है। और यहाँ पे भी किस प्रकार से पहाड़ों को फोड़ा जा रहा है आप लोग देख सकते हो। तो गए शाम के उसके 5 और मौसम कुछ इस प्रकार का है, घर पे भी पहुँच चुका हूँ मैं, और नज़ारा थोड़ा बहुत पीली धूप अभी अभी पहाड़ों पे बची है, और यहाँ से हिमालय का नज़ारा बहुत ही औसम आ रहा है। और हिमालय ना बहुत ही शानदार लग रहे हैं, दिन में चमचमा रहा था, अभी भी हिमालय में धूप बची है, और अंधेरा तभी होता है जब हिमालय में धूप ख़त्म हो जाए, तो बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है अभी हिमालय का, औसम। तो दोस्तों ब्लॉग को ख़त्म करने का समय भी आ ही चुका है, तो आप लोगों को फाइनली वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।